सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज मैं हैरी पॉटर के टॉप 5 इंटरेस्टिंग हेड कैनन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हेड कैनन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। हेड कैनन्स से काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज आती है और हैरी पॉटर की तो एक से एक थ्योरीज आती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं हैरी पॉटर हेड कैनन्स की एक और वीडियो जरूर बना दूंगा। फर्स्ट, हम सबको ये पता है कि मॉली वीजली ने हैरी पॉटर का ख्याल रखा लाइक अ मदर, और काफ़ी मीम्स ऐसे भी बनते हैं कि रॉन से अच्छा ब्रेकफास्ट जो है मॉली वो हैरी पॉटर को देती थी। तो इसीलिए, क्योंकि मॉली हैरी से प्यार बहुत करती थी, रॉन से ज़्यादा नहीं तो रॉन से कम भी नहीं। तो इस हेडकैनन के हिसाब से जब मॉली मर गई और जब वो आफ्टर लाइफ में जाती है तो वहाँ लिली उसका स्वागत करती है और उसे थैंक्स बोलती है हैरी पॉटर की देखभाल करने के लिए। और आप सबको पता होगा कि फ्रेड मर जाता है, सो लिली मॉली से कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, मैंने भी आफ्टर लाइफ फ्रेड का यहाँ पर बहुत ख्याल रखा। सोचो अगर ये सीन हैरी पॉटर की किसी अपकमिंग सीरीज में हो तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा। सेकंड पॉइंट, द मर्डर्स मैप जो जेम्स, पीटर, सीरियस और रेमस ने मिलकर बनाया था, और इन चार दोस्तों में से सबसे पहले जेम्स मरा, फिर सीरियस मरा और फिर पीटर, और एंड में द बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान रेमस लुपिन। तो इस हेडकैनन के हिसाब से रेमस के मरने के बाद, यानी इन चारों के मरने के बाद, द मर्डर्स मैप काम करना बंद हो गया था, और ये हेडकैनन सच भी हो सकता है। बट जिन्होंने कर्स चाइल्ड पढ़ी होगी उन्हें ये पता होगा कि हैरी पॉटर ने एल्बस पॉटर को जो है मर्डर्स मैप दिया था। बट कर्स चाइल्ड जो है मुझे सबसे बड़ा हेडकैनन वही लगता है, लेकिन ये सीन भी हो सकता है। इस हेडकैनन के बारे में आप लोग क्या कहोगे कि उन चारों की मौत के बाद द मर्डर्स मैप काम करना बंद हो गया था। थर्ड पॉइंट, रॉन जब प्रोफेसर मैकगोनेगर के साथ डांस करता है वो सीन हम सबको याद है, और इस हेडकैनन के हिसाब से रॉन और हरमाइनी की शादी होती है तब रॉन प्रोफेसर मैकगोनेगर के साथ उसी तरह का डांस करता है। आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। फोर्थ पॉइंट, एल्बस डंबलडोर हैरी की सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस रहते थे, और चैम्बर ऑफ सीक्रेट में एल्बस डंबलडोर लॉकहार्ट को लाए थे। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर क्यों प्रोफेसर डंबलडोर सिर्फ लॉकहार्ट को ही लाए और किसी को क्यों नहीं लाए? तो इस हेडकैनन के हिसाब से वोल्डेमॉर्ट के काफ़ी ऐसे अननोन डेट ईटर थे जो अभी भी आज़ाद घूम रहे थे, तो एल्बस डंबलडोर को हॉगवर्ट्स में ऐसे ही लोग लाने थे जो डेट ईटर ना ही हो, और लॉकहार्ट डेट ईटर कहीं से भी नहीं हो सकता था, इसीलिए एल्बस डंबलडोर जो है उसे लाए थे हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए। और इस हेडकैनन में काफ़ी सेंस भी बनता है क्योंकि एल्बस डंबलडोर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। आप लोगों को इस बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। पॉइंट नंबर 5, रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। इस हेडकैनन के हिसाब से ये बताया गया है कि रॉन ने हरमाइनी को कैसे प्रपोज किया। तो हरमाइनी रॉन से बोलती है कि तुम्हारी नोज पर जो है डर्ट लगा हुआ है, मैं इसे हटा देती हूँ। तो रॉन बोलता है नहीं नहीं, ये मेरे लिए लक है। तो हरमाइनी कहती है कि कैसा लक? तो रॉन उसे बोलता है क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मेरे नाक पर जो है वो डर्ट लगी हुई थी, इसीलिए शायद हम मिल पाए थे क्योंकि ये डर्ट मेरा लक है। तो हरमाइनी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हम ट्रेन में मिले थे, बट तुम्हें अब लक की क्या ज़रूरत? तो रॉन अपने घुटनों के बल बैठता है और उसे प्रपोज कर देता है। सो सैड। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को कौन सा हेडकैनन बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।